तो गाइस मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रेसल। अभी तो भाई रोमन रेंग्स को लेकर के देखो एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि रोमन रेंग्स 1000% कंफर्म है कि रेसलमेनिया 40 में अपनी चैंपियनशिप को हार जाएंगे। एंड ये रोमन रेंग के ट्राइबल चीफ में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन का एंड होगा। एंड ये एंड कौन करेगा? ये होंगे नन अदर देन कोडी रोड। हाँ, इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे लोग जो भी चैनल पर नए हो तो भाई अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बात करते हैं हम लोग रिंग्स के बारे में। तो भाई अभी रिसेंटली होता क्या है, बूजर रेसलिंग की तरफ से एक ट्वीट निकल कर आता। हालांकि बूजर रेसलिंग से किसी ने पूछा था कि आपको क्या लगता है रोमन रिंग्स रेसलमेनिया 40 में अपनी चैंपियनशिप को लूज कर देंगे। तो इसके रिप्लाई में बूजर रेसलिंग कहती है डेफिनेटली 99.99% कंफर्म है कि रोमन रिंग्स अपनी चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 40 में लूज कर देंगे, एंड जो कि होंगे कोडी रोड्स के अगेंस्ट में। यस, कोडी रोड्स वो पर्सन होंगे जो कि रेसलमेनिया 40 में हमको नए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन देखने के लिए मिलेंगे। एंड देखो स्टोरी काफी ज्यादा लिंक भी बनाती है क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी देखा था। लास्ट ईयर भी WWE के प्लान थे चैंपियनशिप लेने के लिए, लेकिन वहां पर हमको सोलो सिकोवा की वजह से हमको देखने के लिए मिला था कि चैंपियनशिप कोडी रोड्स नहीं ले पाए थे। हालांकि हमको देखने के लिए मिल सकता है रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंग्स सिंगल पर्सन अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे, क्योंकि उस टाइम तक ब्लड लाइन का ब्रेकेज पूरा अपने पीक पर चला जाएगा। जैसे हमने देखा जे उसो जा चुके हैं, अब सिर्फ जिमी उसो एंड सोलो सिकोवा चल रहे हैं। सोलो सिकोवा भी अब रोमन रेंग्स की बातें खटकती है थोड़ा सा, वो इतना पहले जैसा वाला टाइम नहीं रहा। तो हमको देखो काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, एंड पॉसिबली हो सकता है रेसलमेनिया 40 में हमको रोमन रेंग्स अपनी चैंपियनशिप को हारते हुए दिखाई दे जाए, एंड इसके बाद वो एक अच्छा खासा टाइम गैप लेने के बाद अपना WWE में रिटर्न करे। देखो ये चीज तो कंफर्म है कि रोमन रेंग्स को अपनी चैंपियनशिप हारनी है। किसके अगेंस्ट में हारनी है ये भी कंफर्म है, कोडी रोड्स के अगेंस्ट में हारनी है, क्योंकि WWE कोडी रोड्स को ही नेक्स्ट अपना सुपरस्टार देखते हैं जो कंपनी को अपने कंधों पर लेकर के आगे जाए। क्योंकि रोमन रेंग्स ने साफ साफ कह रखा है अब वो हॉलीवुड में जाना चाहते हैं, एंड वो हॉलीवुड में अपना रॉक करियर बनाना चाहते हैं। तो देखो ये चीज तो कंफर्म है कि रोमन रिंग्स अगर हॉलीवुड में जाएंगे तो WWE को कोई और सुपरस्टार चाहिएगा, एंड कोडी रोड्स उनकी बराबरी काफी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन वो टाइम कब आएगा कि जब कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को लेंगे? तो भाई ये टाइम रेसलमेनिया 40 में आ सकता है जहां पर हमको देखने के लिए मिलेगा कि रोमन रिंग्स से कोडी रोड्स उनकी चैंपियनशिप ले लेंगे, एंड रोमन रिंग्स कंपनी से चले जाएंगे कुछ टाइम के लिए। हो सकता है उसके बाद वो वापसी आ जाए या कुछ टाइम ब्रेक ना भी ले, पर देखो ये तो कंफर्म है कि रोमन रेंग से चैंपियनशिप रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स हार जाएंगे। अब देखो अगर आप कोडी रोड्स के फैन हो तो आपको ये न्यूज काफी ज्यादा अच्छी लग रही होगी, लेकिन अगर आप रोमन रेंग्स के फैन हो तो आपके लिए ये चीज बुरी भी लग रही होगी। तो देखो भाई ये चीज तो बिजनेस में चलती रहती है, आज रोमन रेंग्स चैंपियन है, कल कोडी रोड्स चैंपियन है, परसों को कोई और आएगा वो चैंपियन बनेगा। तो देखो ये सारी चीजें बिजनेस में चलती रहती है, तो इसको लेकर के इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेने की। हो सकता है रोमन रेंग्स के लिए चैंपियनशिप ले लेने के बाद और भी ज्यादा अच्छे ऑप्शन हो WWE में, तो हमको उनके डिसीजन को अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी आप लोग के क्या थॉट है इस टॉपिक को लेकर के कि रोमन रेंग्स अपनी चैंपियनशिप रेसलमेनिया 40 में हार जाएंगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक ही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।